and welcome back to SIS classes. Today I will discuss the biology chapter number 2. In this video we will learn about angiosperm. तो आप लोग पढ़ रहे थे प्लांट क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, लाइक प्लांट्स किंगडम प्लांटी में कौन कौन से डिवीज़न होते हैं, उनको फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं. ओके, तो नाउ हम इस लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म से कि व्हाट इज़ द एंजियोस्पर्म. सो राइट इज़ नाउ स्टार्ट द वीडियो. एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो बियर करते हैं ट्रू फ्लावर, हेंस दे हैव फ्रूट्स. इसमें क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड सीड जो इनकी होती है वो इनक्लोज्ड होती हैं फ्रूट्स में. मतलब फ्रूट्स के अंदर क्या होती हैं, सीड प्रेजेंट होती है और इनकी जो सीड होती है उसमें सीड कोटिंग भी प्रेजेंट होती है. ओके, सीड आर नॉट नेक्ड, मतलब सीड जो होती है वो नेक्ड नहीं होती, खाली नहीं होती, उसमें क्या होती है, कोटिंग भी प्रेजेंट होती है. जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या था कि उसमें सीड जो थी वो नेक्ड थी. ओके, एंड देन है फिर सीड डेवलप इनटू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड ओवरी. जो इनकी सीड होती है वो फीमेल पार्ट में, आप लोग ने अगर क्लास 6 का वीडियो देखा होगा लीफ वाला, उसमें सेकेंड पार्ट में जो मैंने आपको दिखाया था फ्लावर, ठीक है, जो चाइना रोज था उसका मैंने आपको दिखाया था, उसमें पेटल्स दिखाए थे. तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर नीचे जो हम लोग फ्लावर को ऐसे पकड़ते हैं तो उसका जो फूला हुआ पार्ट होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसी के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, ओविड प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड ये सीड जो होती है इसमें सीड लीव, इसे सीड लीव भी कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन, ठीक है. मतलब ऐसी सीड जिसमें क्या हो, सीड लीव प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे कॉटिलेडन. एंड द एम्ब्रियो एंड बेबी प्लांट्स, ठीक है, इसको हम लोग एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं एंड बेबी प्लांट्स भी बोल सकते हैं. तो कुछ में क्या होता है कि सीड लीव जो होती हैं वो स्टोर करती हैं फूड को, यूज्ड बाय द एम्ब्रियो. इसमें एम्ब्रियो के द्वारा ये यूज़ होता है व्हेन इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट. जब एम्ब्रियो जो है नए प्लांट में ग्रोज करता है तो ये इसका हेल्प करता है, मतलब ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियन मीन्स होता है केस ऑफ, मीन्स अ केस, एंड स्पर्म मतलब होता है सीड, ठीक है. सीड के केस में ही इनको डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्म में. तो ये मोस्ट हाईली इवॉल्व प्लांट होते हैं, ठीक है. अभी तक जो आप लोगों ने प्लांट्स पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईली और मॉडिफाइड प्लांट जो हैं वो एंजियोस्पर्म के होते हैं, जिसमें रूट्स भी होती है, शूट्स भी होती है, लीव्स भी होती है, स्टेम भी होती है, सारा कुछ ही प्रेजेंट होता है. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम एंड लीफ, और इनमें जो लीफ रूट्स प्रेजेंट होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है. तो इसमें जो लीफ जो आपको बताया गया है कॉटिलेडन, उसमें दो टाइप के होते हैं कॉटिलेडन, एक होता है मोनोकॉटिलेडन और दूसरा होता है डाइकॉटिलेडन. मोनोकॉटिलेडन जिसमें क्या होता है, सिर्फ मोनो मतलब एक, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉटिलेडन, और जिसमें से दो मतलब कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे डाइकॉटिलेडन या फिर डाइकॉट, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ एंजियोस्पर्म है. तो यहाँ पर देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन, जो कॉटिलेडन हैं उनके डिपेंडिंग के बेसिस पे सीड जो होती हैं वो एंजियोस्पर्म की डिवाइडेड होती हैं फॉलोइंग ग्रुप्स में, टू ग्रुप्स में. अभी मैंने बताया कौन कौन सा, एक होता है मोनोकॉटिलेडन, सेकेंड होता है डाइकॉटिलेडन. मोनोकॉटिलेडन जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी सीड जो होती है ओनली वन टाइप के कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे वीट, मेज, राइस, ग्रासेस एक्सेट्रा. मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग मोनोकॉट्स भी बोलते हैं. डाइकॉटिलेडन जो होते हैं वो प्लांट्स सीड उसमें कंटेन करते हैं एंड ग्राम, पी, बीन, ब्रिंजल, बैंगो एक्सेट्रा. डाइकॉटिलेडन प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग डाइकॉट्स ही बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो सीड प्रेजेंट होते हैं. मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे बताया मैंने कि मोनोकॉट में क्या होगा, सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, और डाइकॉट में क्या होगा, टू कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे. ऐसा आप लोग एक्टिविटी 3 में देखेंगे कि जब आप लोग एप्पल खाते हो, ठीक है, एप्पल आप लोग खाते हो तो उसके बीच में क्या होता है कि आप लोग पल्पी वाला पार्ट उसका खा लेते हो और उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है, वही उसका क्या होता है कि कॉटिलेडन होगा. मतलब कहीं पर दो कॉटिलेडन होंगे, कहीं पर मोनोकॉटिलेडन होगा. तो यहाँ पर देखिए जो कॉटिलेडन है जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि एम टू स्टडी द मोनोकॉट सीड. हम लोग देखते हैं कि किसी को स्टडी करना है कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कोई सीड जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है. तो लेट्स स्टार्ट. मटेरियल रिक्वायर्ड बीन, इसमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी हमें. हमें बीन की ज़रूरत है एंड मेज सीड की ज़रूरत है. एक हमें बॉल चाहिए यानी कटोरा चाहिए, वाटर चाहिए थोड़ा, और हैंड लेंस चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा. सो अब प्रोसीजर क्या है इसका कि हम लोग कुछ सीड को लेंगे एंड मेज में सोक कर लेंगे ओवरनाइट. तो यहाँ पर हम लोग कुछ सीड लेंगे बीन के एंड मेज के और उसको पूरी रात क्या करेंगे, सुखा देंगे, ठीक है, वाटर में मतलब
कचरा डाल करके उसको हम लोग और पूरा नाइट छोड़ देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह हम लोग क्या करेंगे, उस सीट को वाटर में से बाहर निकालेंगे, जेंटली रिमूव करेंगे सीट कोट को, उसकी जो सीट कोट है उसको हम लोग मूव करेंगे तो उसमें से वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, अंदर से बीज बाहर निकल आएगा। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे लेंस में। अब उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं लेंस में तो क्या दिखाई देता है हमें, तो बीन सीट जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, मेज की सीट, ठीक है, डज नॉट, मेज की सीट नहीं होगी, दीज आर टू कॉटलेडन इन बीट सीट ऑन वली कॉटलेडन इन द मेज कॉटलेडन एंड सीट कॉटलेडन हैंड बीन इनक्लोज ए बेबी प्लांट। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें से कि बीन की सीट जो होती हैं वो डाइकॉट सीट होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं टू पार्ट में कॉटलेडन डिवाइड होते हैं, जबकि मेज की सीट जो होती है वो मोनोकॉट सीट होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही क्या होते हैं कि सीट प्रेजेंट होते हैं, एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें कॉटलेडन डाइकॉट बीन सीट स्प्लिट ओपन बेबी प्लांट यहाँ पे ग्रो कर जाएगा, ये कॉटलेडन है, मोनोकॉट मेज एंड सीट इन सेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग का ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।